इस बारिश के मौसम में सैंडविच खाने का मजा ही कुछ और है। चलो बनाना सीखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक ब्रेड ली है। ब्रेड में जितना मन चाहे उतना मक्खन लगा दो यार। उसके बाद हम प्यारी सी चीज़ जो कि मेरी फेवरेट है वो डालेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे उसमें हल्का हल्का बारीक कटा हुआ प्याज। फिर शिमला मिर्च हम उसमें ऐड करेंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद, जो कि मैंने बहुत ही प्यार से टमाटर काटे हुए हैं उनको हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें पनीर। पनीर ऐड करने के बाद मेरे पास शिमला मिर्च बच गई थी जिसको मैंने लंबे पीसेस में काटा था। चॉइस है, अगर डालना होगा डाल देना, नहीं डालना होगा तो रहने देना। फिर उसके बाद मैंने हल्की सी टेस्ट अनुसार मिर्च ऐड करा है, और उसके बाद मैं डालूँगी चीज़। चीज़ मेरी तो फेवरेट है, मैं तो एक्स्ट्रा ही डालूँगी यार। फिर उसके बाद मैंने चीज़ डाल के ब्रेड लेनी है। ब्रेड में हमने बटर लगाना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपको खाना है। उसके बाद बस हम दोनों को मिला देंगे, और फिर इसको स्लाइस उसमें काट लेंगे, जो कि सैंडविच की शेप में मैंने इसको काट लिया है। अब हम इसको करेंगे गरम। फ्राई करने के लिए हम एक फ्राई पैन लेंगे जिसमें हल्का सा ऑयल लगा के हम इन दोनों को फ्राई करेंगे। बस हल्का हल्का ब्राउन होने के लिए रख देना है बस। फिर एक साइड से जैसे ही ब्राउन होगा तो हमने इसको पलट के दूसरी साइड भी इसी तरह ब्राउन होने के लिए रख देना है। बस जैसे ब्राउन होते हैं बस प्लेट में डालो, और बस खुद भी खाओ और एक दो सेल्फी लेके अपने दोस्तों को भी दिखाओ, और थोड़ा जेलस फील कराओ यार।